Hello friends and friends, welcome to our channel Krishna Views and the host of the day is Vijay Deshwal, Krishna Kant Singh and Abhishek Saini. So today we are going to talk about Krishna Kant. What did you say? Yes, I said. Confidence is broken. Confidence is broken. I was going in flow suddenly. Chal. Sorry bro. And sit right. Public ke samne sahi baitho, respect them. ओके तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ रिएक्शन देने वाले मतलब कुछ देखने वाले हैं रिएक्शन से सबसे बड़ी बात हो देखने वाले तो नेशनल कप पाकिस्तान ये तो सबको पता है बंदा क्या करता है घूमता है खाना बनाता है खाता है सबसे बड़ा एंजॉय करता है चिढ़ाता है और नेशनल का मसाले मांगे दिया नहीं किसी ने नहीं दिया और एक हर एक बंदे का ड्रीम होता है भाई घूमो मतलब और सारे सबके मतलब सबका ड्रीम यही है रोज दरवाजे के बाहर खड़े होकर देखते हैं घर के सब्जी लाके दो महीने से सब्जी लाके रखी है भाई ने पर इसके तो नेशनल के इतने सारे प्रोडक्ट है एक भी प्रोडक्ट कोई नहीं रखा मैं तो चिकन भी मंगाया था लेकिन अभी भी इंतजार कर रहा हूँ कि कब नेशनल का पाकिस्तान मैंने भी कबाब आए तो चिकन एक भी नहीं आता मैंने भी एक भुर्जी ऑर्डर की थी आई नहीं मुझे बोल दो चुप रहने दीजिए चलो आज पकाते हैं बिना पकाए हुए वीडियो में स्टार्ट करते हैं हम लोग और ये वीडियो है नेशनल कप पाकिस्तान और हम अपना आने वाला फ्यूचर वीडियो डाउनलोड है इसलिए दिख नहीं रहा अरे हम रिएक्शन देने वाले हैं नेशनल कप पाकिस्तान पे तुम भी देखो हम भी देखेंगे एंजॉय करेंगे लेट्स डू इट केले खाओ मटर खाओ छिलके खाओ इंसान खाओ कुछ हलवा पूरी करके है इसका टाइटल तो लोगों ने भी काफी डिमांड रखी थी इस वीडियो को तो देखते हैं इस वीडियो को हियर वी गो 1 2 3 एंड स्टार्ट पाकिस्तान सीजन 3 इस टेस्टफुल जर्नी में हम आपको लेकर चलेंगे सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा खाए जाने वाले खानों की दुनिया में इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची में शहर का पसंदीदा नाश्ता आई वुड से नेशन्स मोस्ट फेवरेट ब्रेकफास्ट हलवा पूरी भाई नीचे बन रहा है दिस एपिसोड विद यमलिशियस हलवा पूरी फ्रॉम कराची टू पेशावर विद मी शेफ सादत ये सर पहला दूसरा तीसरा एपिसोड है ये स्टार्टिंग के I'm right here and the khushbu of frying halwa puri is making me really hungry. Bright sunny morning, typical Karachi ki hustle bustle. This city is on the roll. I'm all set to try my hands on to this mazedar halwa puri. Aur janunga is jagah ki halwa puri ki khas baat kya hai. Halwa puri. To aapko khas baat kya lagti hai yahan ki puri mein? Yahan bhi puri mein masala jaat bahut achhi hai. Acha. ज्यादा है कम हल्के हैं भूख लग रही है क्या होता है अच्छा यहाँ की खास बात ये कि चने अनलाइक की दूसरी जगह चना बिल्कुल हुआ होता है चना खड़ा हुआ है चने बड़े हैं मजा आ जाता है पंजाब का फ्लेवर है वो आपको नहीं मिलेगा उसके चने की अलग मिठास है बट इसका मसाला बड़ा अच्छा है और खासतौर पर सब्जी जो आलू की है इस आलू की सब्जी की खास बात ये है कि इसमें एक हल्की सी खटास है खासतौर पर कलौंजी जिसकी खुशबू बहुत ही आला है पर अमेजिंगली जैसा सुना था वैसे ही पाया बड़ा मज़ेदार टिपिकल नाश्ता हलवा पूरी वाला खाना है तो अब यहाँ आइए हलवा कहाँ है इसमें बोलने के लिए ऐसे कर रहे हैं यहाँ का नाश्ता बहुत मशहूर है ग्वाल मंडी के अंदरून शहर जो कहलाता है लाहौर का वहाँ मैं मौजूद हूँ कहावत है कहते हैं कि ईट ब्रेकफास्ट लाइक किंग लंच लाइक अ प्रिंस और डिनर लाइक अ पॉपर There's something unique about this पूरे इलाके में आपको एक चीज़ मिलेगी जो हलवा पूरी की दुकान पे पूरा अगर माल पूरा इस पर छोटा सा होता है मीठा माल पूरा इसलिए हलवे के साथ मिलता है आगे चल के हलवा पूरी खाते हैं मैं इस वक्त फैमिली फीस इंजॉय कर रहा हूँ ब्रेकफास्ट पे हर शहर के अंदर चने बड़े फ़र्क होते हैं ये बड़े डार्क कलर के हैं चिकन छोले ये नहीं है नहीं ये चिकन छोले नहीं है ये बेसिकली
हलवा पूरी के चने हैं। खास बात क्या है दुकान की खाने के अंदर? खास बात इसमें ये है कि ये देसी घी से हर चीज तैयार होती है, इसमें आर्टिफिशियल चीज कोई नहीं है। कोई नहीं। किसने कहा मुझसे कि लाहौर में मिर्चें कम खाई जाती है? इसमें टिक्के में मिर्चें निकलती हुई हैं, चने बहुत अच्छे लजीज हैं, तेजदार हैं। अच्छा मुझे लगता है कराची से ज्यादा मिर्चें हैं इसमें। नहीं, कराची में मिर्च ज्यादा है, इधर कॉम्बिनेशन ज्यादा है। वो इधर मिर्च के साथ काम करते हैं, इधर टोटल क्वालिटी के साथ काम करते हैं। बट एनीवे सर, बहुत मजेदार और चटपटा सब्जी जो इसकी, मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। आज चल के देखते हैं पाकिस्तान के दूसरे शहरों में हलवा पूरी किस तरह से सर्व होती है। अल्लाह की करम नवाजी है। अच्छा ये बताओ मुझे कि क्या खास चीज़ क्या है, लेकिन पूरियां तो हर एक की होती है। बस ये हमारे वालिद की मेहनत भी है और पीर मुर्शिद की दुआ भी है। आटे के अंदर क्या खासियत ऐसी होती है मेरे भाई? आटा एक घंटे बाद भी खिंचता नहीं है, रबड़ नहीं बनता, क्या वजह है? ये आटा होता है एक नंबर फाइन, एक नंबर फाइन आटा, फाइन आटा होता है। और ये कि हम पेड़ा भी भारी रखते हैं, इस वजह से पूरी अच्छी बनती है। ये हलवा किसने बनाया? हलवा तो हम लोग बना लेते हैं, बना लेते हैं। तो ये मैं खा सकता हूँ तुम्हारे हाथ का? हाजिर हाजिर। इसकी खास बात ये है, मैं बहुत खाएं तो घी बहता हुआ नहीं है, नहीं और मिठास बड़ी बैलेंस है, बिल्कुल इलायची का बड़ा मजा आ रहा है। हाँ। वेरी नाइस। अच्छा क्या मैं वो पूरी और सब्जी खा सकता हूँ? हाजिर सर। ग्रेट सर। देयर समथिंग यूनिक, मैं फ्लेवर पिक भी नहीं कर सकता क्योंकि रायता भी डाला हुआ है और पूरी ड्राई है, वो ऑयली नहीं है, ग्रीसी नहीं है। वंडरफुल फूड। आज मैं यहाँ पे पिंडी में हूँ, रिफ्रेशमेंट सेंटर की बड़ी तारीफ सुनी हुई थी, सबने कहा था हलवा पूरी खानी है। पूरी की खास बात है काफी देर देखी अभी तक रखी हुई है, फ्लैट नहीं हो रही है, इट मीन्स कि वो अंदर से ड्राई होगी। अच्छी बात, चने की सब्जी लुक्स डिफरेंट अमूमन जगहों से। चना बिल्कुल मैश हुआ हुआ है, हल्के से चंक्स हैं, आलू का मसाला डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस, काफ़ी हद तक अमूमन जगहों में एक जैसा होता है। बिल्कुल लोकल अचार है जो अपना बनाया हुआ है यहाँ का। यहाँ पे छोटा सा मालपूरा जिसका जी हलवे के साथ देते हैं। ओह अमेजिंग, ना बाहर ऑयल ना अंदर ऑयल। ये मुझे मालूम करना पड़ेगा ये क्या फ़र्क है रेसिपी में, मतलब चने की क्वालिटी जो है ना, जो देसी चना है उसका एक अपना जायका है। और ये आलू की सब्ज़ी मैं एंजॉय करता हूँ और आप भी आएँ और ज़रूर एंजॉय करें इसको। अंदरून पेशावर में हम एक जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे सुना है कि बड़ी अच्छी हलवा पूड़ी मिलती है, कहते हैं देसी घी में बनाते हैं, कुची बाज़ार का इलाका है ये। आए हमारे साथ इस हलवा पूड़ी को एंजॉय करें। ओके जी, फाइनली हम हियर, टाइम से देर से पहुँचा हूँ, बंद होते थे मैंने, बस आखिरी चीज़ें मुझे मिल गई हैं एंड आई एम लकी कि मुझे ये टेस्ट करने को मिल रहा है। कह रहे हैं बहुत रश होता है, बहुत तारीफ नहीं है यहाँ पे। और पूड़ी की एक बात मैं देखूँ, पहले पूड़ी तोड़े यूजली पूरी फूली हुई होती है, हल्की होती है, हैवी है और हंसता बहुत है, नॉर्मल पूरी से बिल्कुल डिपेंड है। अब चाहते हैं सब्जी की तरफ की, और रोगन के साथ ही सब्जी है। खा रखा है ना? मसाला बिल्कुल जैसा कि आपको, मुझे मेन चीज़ की खुशबू आ रही है, ज़ीरा बहुत आ रहा है, गरम मसाला बल्कि मैं कहूँगा उसकी तेज़ खुशबू है। चने इतने नरम है कि आपको बिल्कुल चबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत स्मूथ रखेंगे वो घुल जाएंगे आपके मुँह में। अच्छा हलवे के लिए इन्होंने यहाँ पे पूरा दिया है, कोई जैसे मालपूरे की तरह कोई छोटी चीज़ है, और ये खमीर का आटा उस तरह का, और ये हलवा। खास बात, तमाम चीज़ें देसी घी में पकी हुई हैं। हलवा भी नॉट बैड, वेरी नाइस। आई थिंक अच्छा खाना आपको ढूंढना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, पाकिस्तान के हर शहर में इतनी ज़बरदस्त चीज़ें। आई थिंक कोशिश ही करें, देखते हैं और डिस्कवर करें अपने शहर को, दूसरे शहरों को, और छोले को डिस्कवर करें। छोले पूरी चलता है आपके जो पूरी है तो छोले ही, लेकिन नाम उसको हलवा पूरी दिया है। बाजार में कितने की मिल रही है? साथ हलवा रख रहे हैं वैसे, लेकिन मेन तो महंगे पैसे। जी सर,
हलवा पूरी का खा रहे हैं कभी नहीं खा रहा ना देसी घी का जी सर देसी घी की पूरी का तो लोग वो है पैसे देते कब से आपने स्टार्ट किया है या किसी और ने स्टार्ट किया वाले माने दादा ने सर दादा ने कितने साल हो टेस्ट में फर्क आया किसी ने बताया कि यार अब अब्बा के जमाने का कोई शिकायत नहीं नहीं लेकिन वाले साहब ने जो बनाया था मसाला आज तक वैसे का वैसे ही है वैसे के वैसे कोई तब्दीली नहीं हुई है तब्दीली नहीं हुई आई थिंक बहुत जबरदस्त हलवा आपका लाजवाब था जी सर और सब्जी तो मैं कहूंगा कि वो चने दूसरी जगह घुल जाते ठीक है आपने चने साबित रखे हुए जी सर वाला बस सर बहुत शुक्रिया आपका भाई खुद बनाएगा पता नहीं पहला एपिसोड है तो बनाएगा भी नहीं या खाते रहेगा बनाएगा जहाँ हम हैं ये कहते हैं जगह खाने वालों की है लाहौर में ग्वाल मंडी यहाँ दिन हो या शाम हो या रात हो आपको ज़बरदस्त चटखारेदार और रिच खाने मिलते हैं एक ज़बरदस्त कल्चर है यहाँ पे ख़ासतौर पर इस वक्त जब मैं यहाँ सुबह बैठा हूँ सिरी पाए हलवा पूरी बड़ी हैपनिंग साइट है ये आज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सोचा क्यों ना हम यहाँ पे अपना एक वर्जन नाश्ते का दें बहुत जगह हमने हलवा पूरी खाई है सब्ज़ी जो हलवा पूरी है उसका मेन एलिमेंट है सब्ज़ी चने की सब्ज़ी बनाएंगे एक काम करते हैं स्टार्ट करते हैं और थोड़ा ऑयल डाल के इसमें हम थोड़ी सी प्याज इस प्याज को थोड़ा सा हम हल्का सा कच्चा पक्का करेंगे चने की सब्ज़ी में ख़ास चीज़ क्या है हर इलाके का अपना स्टाइल होता है जितने छोटे चने होंगे देसी चने होंगे उनका अपना फ्लेवर है जो चने आपको पसंद हो वो यूज़ करें मैं कहूँगा लेकिन बड़े चनों पर ना जाएँ साथ ही साथ इसमें एक एलिमेंट है वो जब डलेगा मैं बताऊँगा बड़ा सरप्राइजिंग एंड एलिमेंट जो कि उसको हल्का सा ग्रेवी बनाएगा इसकी वो हम इसमें यूज़ करेंगे कि प्याज थोड़ी सुनहरी हो जाए इसमें हम डालेंगे टमाटर और ज़्यादा नहीं अच्छा ये हर एक की अपनी पसंद होती है मुझे लगता है टमाटर डालने चाहिए था फ्लेवर खुलता है तो वैसे टमाटर ये डाल देते और साथ ही साथ इसको अभी हम मसाला भूनेंगे मसाले के लिए हम यूज़ करेंगे नेशनल का अचार गोश्त मसाला वाह अचार गोश्त मसाला मसाला कोई भी यूज़ कर सकते हैं अचार गोश्त का फ़ायदा ये कि वो जो आप अचारी फ्लेवर आएगा आपको अलग से अचार डालने की ज़रूरत नहीं है बहुत मज़ा आएगा इट्स अ मस्ट ट्राई थोड़ा सा इसको हम भूनेंगे भूनते वक्त थोड़ा सा दही का इस्तेमाल करेंगे हाँ हाँ जब आपका मसाला अच्छी तरह भुन जाए आप भिगो के रखें ताकि बड़ी अच्छी तरह गल जाए माश की दाल एक छोटा सा पोर्शन इसको बहुत एक तो जो मसाले में जो आलू चने के साथ जो ग्रेवी बनेगी वो इसमें आलू चने के साथ बना रहे हैं और एक बहुत छोटा सा पोर्शन माश की दाल का इसमें शामिल कर लेंगे आधी से ज़्यादा उबली हुई है ये फिर इसमें हम डालेंगे थोड़े से आलू अच्छा आलू हम छिलके समेत यूज़ कर रहे हैं उसमें अपना मज़ा आता है आलू डालेंगे इसमें चने इसमें डाल देते हैं अच्छा ये चने अगेन उबले हुए हैं अच्छी तरह मिक्स करके स्टर करके इतना इसमें हम पानी डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह गल जाए थोड़ी सी ग्रेवी भी तैयार हो जाए आइडिया ये कि आपकी दाल वाल भी छोले बनने वाले हैं ऐसा लग रहा है अच्छा जी अब मैं ये करूँगा कि इसको रख दूँगा उबलने पे और धीमी आँच पे पकाऊँगा साथ में बनाएंगे पूरी ताकि इसमें सर्व कर सके तो ऑलमोस्ट हमारी रेसिपी तैयार है तो मैं नेशनल का आयोडाइज सॉल्ट यहाँ यूज़ करता हूँ इसमें अगेन नमक देख लें अपने हिसाब से डालें मैंने बीच में से फाड़ दी थैली आटा मैंने गूंद के रखा हुआ है पेड़े बना लिए आपने क्या करना है कि मैदा थोड़ा सा नमक और एक छोटी टिप ये है कि हल्की सूजी डाल दें एक चाय का चम्मच अगर आप आधा किलो यूज़ करें तो एक खाने का चम्मच और उसके बाद आटे को रेस्ट दे दें तकरीबन 15-20 मिनट ताकि आटा सेटल हो जाए हल्का सा ऑयल लगा के आप थोड़ा सा रख देना मैं यहाँ पे थोड़ा सा चिकन बिरयानी भी साइड में बना लेते सही रहता बेल लेंगे पार्सल का तो बोल ही मत कब से अपन बोल रहे हैं नेशनल वालों का दिल ही नहीं है दया नहीं आते बिल्कुल ऑयल आपको जितना गर्म होगा उतनी आला ये गोल बिल्कुल बलून की तरह फूल जाएंगी और इसके बाद फिर हम इसको निकालते हैं इन पूड़ियों को जबरदस्त एक और मैंने बेली भी है
आइडिया के गिरे और फौरन ऊपर आए। ये ऐसे ऐसे टेम्परेचर ऊपर आ रहा है इसका, और बहुत देर नहीं आपने फ्राई करनी, ये हार्ड हो जाएंगे, ब्राउन ना कीजिएगा इनको। ओके जी, समझ गया, तुझे बनाना है। हमारी तैयार है, ज्यादा फ्राई मत करना, सब्जी बनाई इसके साथ। और वैसे तो इसमें चार गोश्त का मसाला है नेचर का, लेकिन मैं यूज करूंगा थोड़ा सा चार, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके साथ। ये ग्रेट, ये था आज का शो। उम्मीद है आपको हलवा पूरी पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ बनती हैं, हर स्टाइल की बनती हैं, वो पसंद आई होंगी। आपसे मुलाकात होगी इसी शो पे, क्योंकि आइडिया है कि आपको हम विजिट कराते हैं पाकिस्तान के शहर, कौन शहरों के बेहतरीन खाने। इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होती है। बाय। भाई ने अपना खाना भी, मतलब हम जितने बार भी नेशनल का पाकिस्तान का वीडियो देखते हैं भूख जरूर लगी जाती है ना। और ये वीडियो हम लोग जानबूझकर लास्ट में रखते हैं, क्योंकि इसके बाद आगे हम लोग बाहर कुछ खाते हैं, खाना पड़ता है, पेट का सवाल काफी पेट है। और तूने सीख लिया ना कैसे बनाना है? हाँ सीख लिया भाई, संडे को सबको खिलाऊंगा। ये संडे को ही बनाएगा और हम खाएंगे, और हम खाएंगे, आपको भी जरूर खिलाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह का इंडिया में छोले भटूरे बोलते हैं शायद, छोले भटूरे, छोले भटूरे। और इसमें जो है ये बहुत पुराना एपिसोड था, लेकिन इसमें हलवा पूरी अच्छे से एक्सप्लोर कर दिया, बहुत सारे रेस्टोरेंट का, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। बाकी जो नेशनल का पाकिस्तान में होता है उसमें एरिया को भी डिस्कवर कर दिखाते हैं वो लोग, कोई सिंगर भी ढूंढते हैं कभी कभी। ये पुराना वीडियो है ना, तो मतलब स्टार्टिंग हुआ तो ये भी बहुत मजा आया हम लोग को देखने का। इस पर व्यूज बहुत ज़्यादा थे, इसलिए हम लोगों ने सोचा इसको जरूर देखना चाहिए। बहुत तो यार लाइक सब्सक्राइब कर देना आप लोग, ठीक है। हमें वीडियो बहुत पसंद आया, ऐसे वीडियो सजेस्ट करते रहिए, बस शेयर सब्सक्राइब अपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बोलने का, लोग लोग लो, कुछ लोग को तो खुंदा आ जाते, बोलते हैं भाई कर तो दिया और कितने बार करे, मेरे पे तो गुस्सा भी होंगे ना। चलो यार बाय बाय बोलते हैं आज के लिए, बाय दोस्तों, टेक केयर, गुड।